टोटल देसी देखने वाले सारे भाइयों बाणा ने मारी राम राम भाई। आज फिर एक और घना कसूता नेता लेकर आए हैं, युवा नेता है, युवाओं के दिलों में धड़कता रहता है और रोज ये बात कहेगा कि युवा को आगे लेकर आना है, उसके लिए जो करना पड़े मैं तैयार रहूंगा। दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं भाई, मारे गल्ले हैं। दुष्यंत जी, युवाओं को आगे लेने की बात है, शायद यही वजह है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो चुनावी मैदान में तारे छोरे तार दिए, बालक तार दिए। बालक कोई सा को नहीं, छोरे जरूर है जिनने कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ी है, कुछ ना कुछ जिंदगी में अचीव किया है और इसी सोच के साथ काम किया है कि परिवर्तन के अंदर पार्लियामेंट में भी इसी तरीके से प्रदेश की लड़ाई लड़े। और आज जहां गठबंधन की बात है, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार में से 7 उम्मीदवार 40 साल की उम्र के नीचे हैं, सभी शिक्षित हैं, सबने अपने जीवन के अंदर सामाजिक कार्यों की लड़ाई लड़ी है और एक ही सोच के साथ काम किया है कि परिवर्तन लाया जाए। राजनीति में क्या करें, क्या अनुभव की जरूरत पड़ा है, बाढ़ धूप में सफेद नहीं होया करते, तो ये तमाम चीजें जो है राजनीति में सामने रखी जाए, जो 24 साल के, 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 28 साल के जो युवा तार दिए आपने या उसके आसपास जो सारे के सारे युवा तारे हैं, तो क्या लगता है मैदान में कितना दमखम आजमा सके हैं कि कितना इनकी कहानी है, वोट बाट कितनी कटी। मैं एक चीज बताऊं, मेरी उम्र कितनी थी एमपी बना, ये तो आपने बेरा ही था, 26 साल से एक महीने कम का ही था। हाँ, रोड़ा भी घड़ाया पड़ा था जन्म तारीख का, अस्पताल में देख दे फिर तेरे काम में कोई कमी रही। 5 साल उम्र से नहीं, अनुभव हौसले से जाता है और मैं तो ये सीखा हूँ 5 साल में कि हौसला अगर आपका हो, जब अपने ट्रैक्टर पे गाज गिरे थी पार्लियामेंट में किसने बाढ़ा, कोई 80 साल का बाढ़ के लिए आया था, मैं ही था, 28 साल का था, बाढ़ दिया पार्लियामेंट में ट्रैक्टर, और पार्लियामेंट में जिस दिन ट्रैक्टर बाढ़ा उससे एक महीने के अंदर ना सरकार ने गड्ढा बनाया दोबारा। आपकी जीत का जो जिक्र करा तो उस समय इनेलो थी इकट्ठी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने लाया पूरा जोर, अभय सिंह चौटाला जी भी पूरी कोशिश कर रहे थे, कड़ते ही का तान ला दिया था सारे भाई को। जो महेश जी, आपको फिर याद नहीं होगा कि मेरे चुनाव में अभय सिंह चौटाला जी केवल मात्र एक रैली में और एक दिन प्रचार में आए थे, दूसरी जी चौटाला साहब और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उस समय जेल में थे। मैच फिक्सिंग के आरोप भी खूब लागे थे, नुके थे अंदर बैठ के सारे लगान वाले आरोप, बीजेपी का भी नाम कलाए थे, उड़ले पास से मारे डला दियो पर लपा सकते, जो आरोप लगाते हैं उन लोगों से यह तो पूछो उसका कोई सबूत तो दे। आज सबूत नहीं, केवल मात्र आरोप है, आरोप तो कोई किस पे लगा सकता है। मैंने तो बिजली की चोरी के, जब ये अदानी को सस्ते दाम पे बेच रहे थे, जब खड़े होके कागज लाके आरोप लगाया था, दवाई वाला घोटाला था जब आरोप लगाया था, जब बात हुई इनके और टोल पे भी रोड़ा कर रहे थे, टोल पे रोड़ा किया, सरकार ने कागज फालतू दिखा दिए, मैं रुक गया। जब मैं जितना सही था उतना मैं सही था, सरकार उससे ज्यादा सही निकल गई। कोर्ट में मामला है, 2 जजमेंट अभी आनी है सुप्रीम कोर्ट की, इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन जजमेंट आ जाएगी, जिस दिन कहीं और टोल मूव हुआ मैं उस दिन दोबारा लड़ाई शुरू कर दूंगा। मगर जो हाईवे अथॉरिटी है आज वो अपने रूल्स में बदलाव लाती है और पब्लिक डोमेन में वो बदलाव नहीं रखती, तो उसके अंदर फिर कार्रवाई करना मेरे भी हाथ बांध देता है। ये तारे जो पुराने लोग हैं, मैं पुरानी नेलो की बात कर रहा हूँ, वो हर किसी ने जाकर जो इबी नेलो में है वो साफ ये बात कहे हैं कि भाई इब के तराज आया पड़ा था, ये बाड़का ने खराब कर दिया। अगर मैंने खराब किया है तो मैंने तो इनेलो छोड़ दी नहीं, कोई मैंने इनेलो छोड़ दी हो तब मैं खराब करूं, मेरे को तो काट दिया। और काटने के बाद तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो दरवाजे में मैं सिर पीटता और ये कहता रख लो रख लो रख लो, या अपनी नई शुरुआत करता। कर दी नई शुरुआत, अब भी इनके रोड़ा है, अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। आज 6 महीने हो गए लोकदल अड़ा के, दुष्यंत ने छोड़ के कोई और काम है तो बता दे, घुमा फिरा के रात ने सोए और नींद में कोई सपना भी आ जाए खड़े होकर दुष्यंत ही बोले, ये हालात इन लोगों की। जिक्रा नु कह के खराब सा तो उसे ने करा नहीं, तो इनके तो बात बनी पड़ी थी, फिर के करा बाहर काटने के भी हालात नु कह छोरे मानने को नहीं। अच्छा, तो सारी चीज मैं ही गलती में हूँ, और तो सारे दूध के धुले हैं जैसे गंगा में हर रोज डुबकी मार के आते हैं। इन लोगों के वो तो 5 महीने छोड़ो, 5 साल से ना तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत थी, लड़ाई भी हमने ही लड़ी और लड़ते आएंगे और लड़ते रहेंगे। अभय सिंह जी बार बार एक जिक्रा कर दे हैं, आजकल कर रहे हैं, नुके हैं मारे पीछा के जो देवीलाल ट्रस्ट के जो पीछे थे, उसके बला रोहतक का ऑफिस भी उन्हें पीछा का, जींद का ऑफिस भी उन्हें पीछा का, अम्बाड़ा ऑफिस भी उन्हें पीछा का, चेक दिए थे पीछे मार लिए। चेक दिए हो तो कागज लाते दो, कोई चेक तो बैंक में डलेगा, बोलन तक ये सारी चीज ठीक हो जाएगी। मैं कह दूंगा महेश का ये कैमरा और ये माइक मेरे पीछे का है, महेश नहीं देता, मुकदमा करूंगा, मेरे बोलन तक ये सही बात हो जाएगी।
पांच उससे हफ्ते पहले एक बात कही थी, अजय सिंह तो 50 लाख मांगता था, सबूत दिया कही थी, कही थी। लाया सबूत कोई सा? उससे पहले कही थी दुष्यंत दिग्विजय तो टिकट बेचने के आरोप जो है वो अजय सिंह जी पे लगे थे, उसके बाद कहे थे सारे पार्टी बेचना काम कर ले। एक बात कही थी दुष्यंत और दिग्विजय तो अमित शाह से मिल के आए हैं, सोनिया से मिल के आए हैं, सबूत दूंगा, अनिल जैन से मिल के आए सबूत दूंगा, दिए। बात करने वाला ढोल घड़ा ही बजता है, मर शोर शोर ही करता है ढोल, पटाखे की तरह दम को नहीं रखे। ये बीजेपी का जिक्र आपने करा, ये अभय सिंह जी आए तीसरे दिन मुख्यमंत्री मिलकर आंदे, अंदर जानते नु कहते गठबंधन पर बात करूंगा, बाहर आंदे नु कहते घर की बतलावा थे। भाई ये बेरा मैंने भी कोनी बेरा, किसका निर्णय है कि खिचड़ी पाके थी? ये तो न्यारी पार्टी बना ली तो बता दो, ये तो काम मुख्यमंत्री का अभय सिंह जी का है, जो भी बात हुई है वो पब्लिक करे। जिक्र नू था कि भाई इनेलो वाले बाजे थे कदे जेजेपी में चले जाए, इनेलो वाले तो कल भी बाज गया एक विधायक, कौन सा नसीम, और बात जाएंगे अभी तो 11 होगी गिनती ना, 10 होगी, 11 बैट्समैन छोड़े थे गंगवा जी ने, अब 10 होगी, धीरे धीरे देखिए ऑल आउट ना कर दे टीम। गंगवा जी का भी जिक्र चल रहा था, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो ली थी, 2 घंटे पहले कोई फोन आ गया, फिर जान दे रहे दिल्ली में कोई तैयारी की, आपका आपके साथ आने के लिए? हमारे साथ आने की ना कभी चर्चा थी ना कभी आए। अच्छा, अगर आना होता तो पहले दिन अनूप जी की तरह आ जाते, और ना आने वाला आदमी तो आखिरी दिन भी को नहीं आवे। ये ट्रस्ट की जो नुके हैं, कई 100 करोड़ रुपये उसमें पड़ा है, ताराड़ा पे थोड़े कम रह गए यार, वो सारा का सारा जुगाड़ जो है ट्रस्ट के पीछे। मैं कोई भी ऐसी चीज जो राजनीति से मतलब नहीं रखती उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। राजनीति में पीछा की जरूरत पड़ा है, आपने जीन में खड़े होकर वोट रहा मांगे थे, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, एक वोटर एक नोट दे दियो भाई, तो वोट बांट का जुगाड़ तो जींद में तो ठीक सा कर दिया, और नोट नाट भी बजट भी तो ठीक हो गया होगा भाई। अभी तो पार्टी का खाता खुले हफ्ता हुआ है, और खाते की डिटेल भी अब तो इलेक्शन कमीशन के पार्टी के खाते। बड़ा लेट खोल मांग तो कोई नहीं, जब पार्टी रजिस्टर होने में 5 महीने लग गए तो खाता खुलने में 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि इतनी कानूनी दाव पेच इसमें है। अगले एफिडेविट और ले में क्या आतंकिया ने पीछा को नहीं, बेरा को नहीं, बीजेपी और कांग्रेस खड़े थे पीछा लावे, हम तो एक नया दल है खड़ा कर रहे हैं, और एक वोट एक नोट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तारे जो विरोधी हैं इन इनेलवाने की बात चल रही, वो एक बात बड़ी दबी से जुबान में विरोधी को नहीं, ये बारी बारी इनेलो ने विरोध ना कराओ, इनेलो तो जमानत बचा ले 10 सीटा पर, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो बात एक बार और बार बार नू करते हैं कि बोले जी चौटाला साहब जी कदे नू कौन चाहते थे भाई, घर में जो महिला घर था बाहर आवे, ईब देखो हालात के कर दिए। तो मेरी मदर तो पिछले 5 सालों से क्यों, 2009 में भी मेरे पिताजी के प्रचार में आई थी भिवानी, मगर अब और जो प्रचार में आई है अब के चौटाला साहब से पूछ के आई है, उस टाइम को नहीं चाहे थे, अब चाण लग गए हैं। मजबूरी होगी कह तो, लेकिन जरूरत नहीं थी बोला ये क्यों, आज के दिन महिला सशक्तिकरण का टाइम है, राजनीति में सबका योगदान है, 50% वोट महिलाओं के है। चुनरी चौपाल तो आपने भी कवर करी है, कितने समर्थन मिला है कि माणस इकट्ठे कर दे, इतनी औरता ने अपने नाम पे को नहीं कर सके, ये तो औरत के नाम पे ही आवेगी। सरकार का भी जिक्र कर लिया कि काम काज होया, दिखा है कि मैं धूमे धामे पे वोट मांगे, मैं तो कैमरा घुमाऊंगा, वो दो जानते सरकार के विकास घुमा लो कैमरे ने, आज तो किसान इससे सबसे ज्यादा तंग है, यही हालात है, ये खड़े चौक पे गांव के सड़क दिखा दियो मैंने, ये सारी जो हालात है ये बीजेपी की करीबी है। 5 साल में किसान 8 घंटे बिजली के लिए ट्यूबवेल पे जाता है, वो 6 घंटे आती है, फिर पूरी रात इन खागड़ा से तंग होकर चौकीदारी करे, ये चौकीदार बने बैठे, इन लोगों ने बोले इन खागड़ा का जुगाड़ बांध दो, नहीं इस पर लोग जुगाड़ बांध देंगे। ये मोदी भी और चेक हट्टर की बात भी करें तो सैनिका के नाम पे वोट मांगने की बात बार बार आवे है, कोर्ट कह चुकी कि भाई इसका जिक्र करना नहीं था, फिर उसे पे मांगे हैं, इनकी तो आदत बनेगी, कुछ किया तो है नहीं 5 साल में, अब एक ही मौका है, एक ही बात है कि किसी न किसी तरह राष्ट्रवाद खड़ा कर दो। राष्ट्रवाद अगर सरकार के मन में होता तो क्यों आर्मी की फौज की भर्ती ने कम करती, अब तो लक्ष्य लेके चल रही है अभी 1 लाख फौजी कम करने, 1 लाख फौजी कम करने का मतलब 10,000 फौजी हरियाणा के बेरोजगार हो जाएंगे, जो इनकी सोच है इनका लक्ष्य है दिखाता है कि ये तो बेरोजगारी बढ़ाएंगे, और एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि बेरोजगारी और बढ़े। हिसार के मैदान में आप भी कबड्डी खेल रहे हो, जिक्रा बीजेपी के उम्मीदवार का करूं, उचाणे में विकास होया कितना होया नहीं होया ये शोर बहुत मच रहा है। सारे उचाणे में विकास हो लिया, सारे हरियाणा में विकास हो लिया, मैं तो चैलेंज देता हूं, पहले तो मुख्यमंत्री ने दे दो मैं मोदी की फोटो हटा दे और खुद की फोटो पे वोट मांग के दिखा, 10 के 10 की जमानत ना जब्त हो जाए, और दूसरे उचाणा वाले ने भी बोल दो भाई पिताजी स्टील मंत्री हिसार स्टील कैपिटल हरियाणा की, एक कोई फैक्ट्री खुली हो तो गिनवा दे, माताजी विधायक हिसार की कोई उचाणे की
उचाणा में कोई काम हो, बेटा डीसी भी रह लिया, कमिश्नर भी रह लिया, कोई एक गिनती करवा दे कि हरियाणा के अंदर उसने कभी हिसार, भिवानी और जींद जिले में ड्यूटी भी करी हो, लोगों के सुख। वो तो हमेशा ऐशोआराम की जिंदगी जिया है, चंडीगढ़ दफ्तर में बैठा रहा, गुड़गांव बैठा रहा, मालदार सीटों पे, कभी आके आम आदमी के दुख दर्द को सुना ही नहीं। और उनके अंदर हिम्मत है तीनों पे, अगर उन तीनों ने काम किया है तो पोस्टरों में खुद की फोटो लगाए, मोदी की फोटो हटा दे, सामने बेरा चल जाएगा, जमानत किसकी। जब ये टिकट जब बटे थी तो एक बार तो कुलदीप वाले घने खुश हुए, हालांकि आखिरी में उनकी आई बेचारे लटक गए थे एक बार तो, लेकिन टिकट जब बटी नू का भाई बीजेपी आड़ा भी जाट आ गया और जेजेपी आड़ा भी जाट आ गया, इब का तो हाईवे सीधा पाओगा, जब नाक की सीध में दिल्ली आओगी। अगर दिल्ली कास्ट से ही आती तो पता नहीं कई जातियों के एक एक सीट पे कितने कितने वोट हैं, वो सारी जीत जाती। आज लोग जन भावनाओं के जुड़ाव से वोट डालते हैं, वही एमएलए बनाता है, वही एमपी बनाता है, और उसके लिए अब समय जो 11 दिन का शेष बाकी है इसमें लोगों ने काम करना है, लोगों ने इसको देखते हुए वोट डालना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जन भावनाएं 5 साल में जो मैंने उनकी आवाज़ बन के काम किया है उसको देखते हुए इस हार में अपने वोट का उपयोग करेगी, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को ताकत देगी। एक और बात मेरे याद आ गई, अभय सिंह चौटाला जी बार बार यह भी बात रखे हैं कि छोरा ने मुख्यमंत्री बनने की जल्दी हो रही थी, नहीं तो अगर मेरे पर कवर बड़े भाई थे मेरे पैराम दर्दूर में जो भी राज मांगे थे, जो भी देने का था मुख्यमंत्री की कुर्सी, कोई पगड़ी धरण की बात है, पगड़ी तो उनके सिर वैसे भी कोनी आनी, डॉक्टर साहब बड़े हैं परिवार में, उनके सिर पे आनी है, और धरण की बात कोनी। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं लोकसभा चुनाव लड़ना था और आज लड़ रहा हूँ, अगर मेरे को मुख्यमंत्री की होड़ होती तो क्या मैं लोकसभा चुनाव लड़ता? मैं तो कह देता इस हार तक कोनी लड़ूंगा भाई, कोई और लड़ लेगा। मैं तो पहले दिन कहा था मेरी कर्म भूमि इस हार है, इस हार में काम करूंगा, इस हार के बदलाव के लिए काम करूंगा, और उसके लिए काम करता आया हूँ, काम करता रहूँगा। मैंने तो पार्लियामेंटेरियन बनकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत बदलाव लाए हैं इस हार के अंदर, और उसी के दम पे काम कर रहा हूँ। आदमपुर ने कन्नू क्या करें, कुलदीप का गढ़ है, इब के उस गढ़ मठ में के कुछ होना। आए थे ना थोड़े दिन पहले बालसमंद के, अगढ़ की हालात लोग भी कहने लगे 5 साल से दिखा को नहीं, अब आया है, लोग जवाब दे देंगे, और वोट की चोट तो शांतिपूर्वक ढंग से तेज लग गए। उचाणा में नुका पिछली बार तो सूत आई थी बढ़िया दुष्यंत के, फिर इब के तो उचाणा अपना आ गया, इब के तो मैच फिक्सिंग हुआ। मैं और बताऊं, उससे भी ज्यादा वोट आएंगे, और मैच फिक्सिंग पिछली बार भी वीरेंद्र कुलदीप की हुई थी, 35,000 वोट कुलदीप के न्यू ही नहीं आगे थे, 37,000 इस बार देख लियो, 37 आवे को नहीं आवे। नानुंद में के कुछ रह गानु का है, रोड़ा भी हो आपस में गए किसका, वीरेंद्र सिंह जी यार एक अपने फाइनेंस भी संभाला। वीरेंद्र सिंह जी में हिम्मत है, सबको बुलाओ और साथ में मलिक साहब को भी बुला लो। कल मेरे में तो अखबार में पढ़ी थी, मलिक साहब कह रहे थे मैं आऊँगा वीरेंद्र के छोरे के प्रचार में, आ जाओ ना, मैदान खाली है, एक और पर तो बीजेपी विरोध, एक और पर बीजेपी समर्थन, ये क्या गोलमेल है, ये तो साफ कर दिया। फिर आग लगानिया भी कौन था और आग लगाने के कौन आया? यशपाल मलिक जी आ गया, मान लीजिए जी आ गया जी बीजेपी खातर वोट मांगा, क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे हो स्वागत है, आओ सारे ले आओ, मैं तो कहता मोदी ने भी ले आओ, और कांग्रेस तो राहुल ने ले आएगी तो मेरे को 50,000 वोट बढ़ा के जावेगी, कम को नहीं करे। इब के कितनी मानो आप एमपी में जो 10 की 10 तारे गठबंधन की खड़ी होली है, कितनी आप का आ जाएंगे, आप आम आदमी पार्टी कितने का सके, फाइट कहाँ है? कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सीटें कोई पार्टी 10 की 10 नहीं ले सकती, तो बैम है, सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी की आएगी तो हमारे गठबंधन की आएगी। एक जिक्र और, ये चाहे भिवानी की बात कर लें भाई, सिरसा की बात कर लें, अंबाला की बात कर लें, ये बीजेपी आए उम्मीदवार भीतर क्यों नहीं बढ़ने दे रहे, जड़ जा उड़े विरोध हो जाए, क्या बात हो रही? इस हार में बढ़न दे रहे हैं, फरीदाबाद गुड़गांव में बढ़न दे रहे हैं, आज तो ये हालात है, जो पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा था उसने भी कोनी बढ़न दे रहे, क्यों? 5 साल में किया क्या है, बांटे है, तोड़ा है, लूटा है, लोग अपने आप जवाब दे देंगे भाई। फायर ब्रांड नेता है, दुम्मा ठाणा में कसर छोड़ देगा, सारे युवाओं ने आगे ले रहे, हर बात यह कह के भाई दो टूक मन ने पूछ लो, जो जानना चाहो मैं बताना तैयार हूँ, बाकी वह फैसला तो वोटान करना है। राम राम भाई।